बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेस डिटेक्शन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से समझेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि फेस डिटेक्शन की सेटिंग को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सभी लोग पूछते हैं कि हमने अगर अपने शॉप पर फेस डिटेक्शन की सेटिंग को अप्लाई किया है तो क्या वहाँ पर जो मेरे वर्कर रहते हैं तो उनका भी फेस डिटेक्ट करेगा या नहीं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसमें दो तरह की सेटिंग्स आती हैं। पहली बात तो आप उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप इनको डिटेक्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ कस्टमर को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सभी के ऊपर डिटेक्ट करना है, यानी कि आपके वर्कर्स के ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर, सभी के ऊपर ये सेटिंग को अप्लाई करनी है तो ये भी सेटिंग आप इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो है सही तरीका बताने वाला हूँ कि DVR में किस तरह से हम लोग फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं फेस डिटेक्शन के लिए, और उसके साथ में किस तरह से हम लोगों को फेस डिटेक्शन की सेटिंग को अप्लाई करना है। ये सभी तरीके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे ही इन्फोटेक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, जैसे ही हम लोग जो है अपने DVR के स्क्रीन के ऊपर आते हैं, हमें राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू ओपन कर देना है। मेन मेन्यू के लिए हमें यहाँ पे DVR का पैटर्न पासवर्ड डाल के DVR को ओपन कर देंगे। वहाँ पे आप अपना अपना DVR पैटर्न पासवर्ड डाल के DVR को ओपन कर दीजिए। ऊपर की तरफ में यहाँ पे लाइव दिख रहा है, यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे सिस्टम को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। नीचे की तरफ में नेटवर्क दिया हुआ है, कैमरा है, यहाँ पे इवेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम लोग इवेंट के ऑप्शन में आते हैं, नीचे की तरफ में नॉर्मल इवेंट है, पैरामीटर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे फेस रिकग्निशन है। जैसे हम लोग फेस रिकग्निशन के ऑप्शन में चले जाएंगे, ऊपर की तरफ में फेस कैप्चर ऑप्शन मिल जाता है। फेस कैप्चर ऑप्शन में हमें पहली बात तो ऊपर की तरफ में कैमरा नंबर सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से कैमरे के ऊपर सेटिंग करनी है। तो मेरा यहाँ पे एक ही नंबर लगा हुआ है तो मैं एक ही कैमरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ से अलार्मिंग शेड्यूल डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अलार्मिंग शेड्यूल जो है सुबह के 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक है। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे वीक ऑफ 7 दिया हुआ है, ऊपर की तरफ में 24 आवर्स का टाइम। 24 आवर्स के टाइम को हमें किस तरह से डालना है, अगर मुझे जो है यहाँ पे 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये डिटेक्ट करना चाहिए तो फेस को किस तरह से रख चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं। अगर मुझे जो है इसकी डिटेक्शन 24 आवर्स की चाहिए तो मैं अलार्म में चले जाता हूँ। अलार्म में जाने के बाद मैं सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी तरह से ब्लू हो जाएगा। तो ये 24 आवर्स ये आपके लिए फेस डिटेक्ट करने का काम करने लगेगा। अगर आपको सुबह के वक्त नहीं चाहिए, रात के वक्त उतना ही चाहिए, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ से जो है क्लियर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम लोग क्लियर ऑप्शन में जाते हैं तो मैं यहाँ से रात के 12 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक ये सेटिंग को रख देता हूँ। तो सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सिर्फ मुझे मंडे के दिन चाहिए तो मैं मंडे के दिन उतना ही कर देता हूँ। यहाँ पे ट्यूजडे भी जा चुका है, आप देख सकते हैं। अगर मुझे जो है वेनेसडे के दिन चाहिए तो मैं सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये जो है वेनेसडे हो जाएगा। अगर मुझे जो है सभी वीक के ऊपर, सभी दिन के ऊपर जो है इसकी सेटिंग चाहिए तो सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो सभी के ऊपर ये जो है सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यानी कि टाइम टेबल को मैन्युअली डालना है तो किस तरह से डाल सकते हैं, यहाँ पे एडिट ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग एडिट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से जो है एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ में वीक ऑफ 7 दिया हुआ है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एंड टाइम आपको मिल जाता है। जैसे आप डाल देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये जो है सेटिंग यहाँ से अप्लाई हो जाती है। यहाँ से आपको जो है लिंकेज एक्शन दिया हुआ है। लिंकेज एक्शन के अंदर बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सेंड मेल दिया हुआ है, जैसे ही वहाँ पे फेस किसी का भी डिटेक्ट होगा तो वो मेल के थ्रू नोटिफिकेशन करने लगेगा, यानी कि मेल के थ्रू मैसेज करने लगेगा। यहाँ से नोटिफाई बाय सर्वेलेंस सेंटर करने के बाद में हमें जो है अपने मोबाइल के ऊपर जो हम एप्लीकेशन में अपना DVR देखते हैं
उसके थ्रू नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल के अंदर आ जाएगी जैसे हम लोग इसको टिक रखेंगे। बजर अलार्म यानी कि हमारे डीवीआर के अंदर बीप रहती है वो होने लगती है जैसे ही फेस डिटेक्ट होता है। ट्रिगर के थ्रू जो है फर्स्ट नंबर कैमरा पॉपअप विंडो के थ्रू ओपन हो जाता है। जैसे हम लोग सेकेंड नंबर सेलेक्ट करते हैं सेकेंड नंबर भी बड़ा होने लगता है, थर्ड नंबर फिर से बड़ा हो जाता है। अलार्म आउटपुट लिंकेज के अंदर हम लोगों को डीवीआर के पीछे अलार्म आउटपुट लगाने के लिए जगह दी होती है। जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू जो है वो सायरन करने लगेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इसको अनेबल रखेंगे, सेंसिटिविटी अपने हिसाब से हाई और लो रखेंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये जो सेटिंग है अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसकी सेटिंग किस तरह से काम करती है। तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग जो है सभी फेस के ऊपर डिटेक्ट कर रही है। तो अगर हमें सिलेक्टेड फेस के ऊपर डिटेक्शन चाहिए वो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको नॉर्मल लिंकेज को बंद कर लेते हैं, सभी को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में फेस कैप्चर कंपैरिजन में चले जाते हैं। फेस कैप्चर कंपैरिजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड लाइब्रेरी फर्स्ट करके पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से लिंक लिस्ट लाइब्रेरी लिंकेज के अंदर एक लाइब्रेरी को ऐड करना है यानी कि एक फोल्डर को ऐड करना है, वो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से फेस रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, रिकॉर्ड के नीचे फेस पिक्चर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग फेस पिक्चर लाइब्रेरी में चले जाते हैं यहाँ पे हमारा डीवीआर का पासवर्ड पूछेगा, तो हमें यहाँ से डीवीआर का पासवर्ड डाल के डीवीआर को ओपन कर देंगे। जैसे हम लोग DVR को यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ में ऐड ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से ऐड करने के बाद में यहाँ से ऐड फेस पिक्चर लाइब्रेरी फर्स्ट करके दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से माय शॉप इसको कर देता हूँ। जैसे ही मैं माय शॉप कर दूंगा यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, तो हमें यहाँ से इसके अंदर जो है अपना फ़ोटो ऐड करना है यानी कि हमारे जो सिलेक्टेड फ़ोटो है हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो ऐड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम लोगों को हिक कनेक्ट एप्लीकेशन से इसके अंदर पिक्चर को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमारा DVR उस राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए और वो राउटर हमारे मोबाइल से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होने के बाद में हिक कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग हिक कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे जो है हमें को यहाँ से 3 डॉट्स दिए हुए हैं। 3 डॉट को क्लिक करते ही यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन शेयर का मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन सेटिंग का मिल रहा है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद में लिंक कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे अथोराइज सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पे फेशियल डाटा मैनेजमेंट है। फेशियल डाटा मैनेजमेंट के अंदर जाने के बाद हमें जो है हमारा हमने जो DVR के अंदर एक फोल्डर बनाया था माय शॉप वो हमें यहाँ से दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे माय शॉप हमें दिख रहा है तो हमें इसको क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करके यहाँ पे प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके पिक्चर कैप्चर पिक्चर के ऊपर चले जाना है। कैप्चर पिक्चर के ऊपर जाने के बाद में हम लोगों को अगर फ़ोटो एल्बम से ऐड करनी है तो नीचे यहाँ पे फ़ोटो एल्बम दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपना फ़ोटो इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करके ओके कर देते हैं। ओके करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर हमारी हिक कनेक्ट में ऐड हो चुकी है। यहाँ से प्लस साइन ऊपर की तरफ में दिया हुआ है, प्लस साइन को क्लिक करके यहाँ पे सेकेंड फ़ोटो ऐड कर देते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं सेकेंड फ़ोटो भी हमारी हिक कनेक्ट के थ्रू ऐड हो चुकी है, और यहाँ पे और एक फ़ोटो मेरी ऐड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने और एक फ़ोटो मेरे DVR के अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी 3 फ़ोटोज़ DVR के अंदर ऐड हो चुकी है यानी कि हिक कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे DVR के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोटल पिक्चर में 3 दिखा रहा है, नॉर्मल पिक्चर में भी 3 दिखा रहा है। अगर आपको पेन ड्राइव से फ़ोटो ऐड करनी है तो ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग का मिल जाता है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से ऐड ऑप्शन को क्लिक करके जो है पिक्चर अपलोड कर सकते हैं प्लस साइन के ऊपर टिक करके। तो यहाँ से पेन ड्राइव डालेंगे तो पेन ड्राइव के अंदर शो होने लगेगी पिक्चर आपकी। हमने पिक्चर जो डाली है उसका फ़ोटो का नाम हमें डालना है, उस पर्सन का नाम डालना है, तो उसको यहाँ से जैसे हम लोग नीचे की तरफ में एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट ऑप्शन में यहाँ से नेम उसका डाल सकते हैं।
तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद में चलिए चलते हैं इवेंट के अंदर। इवेंट के अंदर जाने के बाद में नॉर्मल इवेंट पैरामीटर प्रोटेक्शन यहाँ पे फेस रिकग्निशन मिल जाता है। फेस रिकग्निशन के ऑप्शन में हमें जो है फेस कंपैरिजन के अंदर जाना है। पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है और हमें यहाँ पे दो सेटिंग्स मिलती है, लिंकेज सक्सेस, लिंकेज फेल्ड। लिंकेज सक्सेस के अंदर हमने जो पिक्चर अपलोड की है मेरी, उसके थ्रू अगर मैं DVR के सामने रुकूंगा तो ये मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और बाकी पर्सन को डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे लिंकेज फील्ड के अंदर वो मेरी फोटो को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके बाकी के जितने भी वहाँ रुके हुए हैं उनको डिटेक्ट ना करते हुए वो नोटिफाई करने लगेगा। किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है, पहली बात तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे माई शॉप को। माई शॉप को सिलेक्ट करने के बाद में लिंकेज सक्सेस के अंदर चले जाते हैं। लिंकेज सक्सेस के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे अगर उस फोटो को जो मैंने अपलोड किया है उसे छोड़कर वो के पर्सन को डिटेक्ट करने लगे तो वो हमें यानी कि सेंड मेल कर देगा अगर इसके ऊपर टिक रखेंगे। अगर नोटिफाई सर्वेलेंस सेंटर के ऊपर हम लोग टिक रखेंगे तो वो मोबाइल के थ्रू नोटिफिकेशन हमें भेज देगा। अगर हम लोगों को बजर अलार्म के ऊपर टिक रखना है, उसके अलावा उस पर्सन के अलावा कोई फेस डिटेक्ट होता है तो तुरंत ही यहाँ पे जो है बजर के थ्रू नोटिफाई होने लगता है। अलार्म पॉपअप विंडो, उसके थ्रू जो है विंडो बड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे चैनल को, जैसे फर्स्ट चैनल करेंगे, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको इसकी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे के सामने जाकर रुका हूँ तो DVR मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। डिटेक्ट करते हुए नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। उसकी मैंने जो फोटो अपलोड किया है उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसी को डिटेक्ट करे, यानी कि वो मुझे उतना ही डिटेक्ट करे, बाकी के पर्संस को डिटेक्ट ना करते हुए नोटिफाई मुझे भेज दे। तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, पहली बात तो लिंकेज सक्सेस के अंदर हम लोग सभी को नॉर्मल लिंकेज को बंद कर लेते हैं, अप्लाई कर देंगे और यहाँ से लिंकेज फील्ड के अंदर चले जाते हैं। लिंकेज फील्ड के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे जो है सेंड मेल के ऊपर टिक रखेंगे तो वो मुझे डिटेक्ट करके तुरंत ही नोटिफाई करने लगेगा मेल के थ्रू। तो यहाँ से नोटिफाई सर्वेलेंस सेंटर दिया हुआ है। नोटिफाई सर्वेलेंस सेंटर क्या काम करता है, हिक कनेक्ट एप्लीकेशन जो हम लोग लाइव देखते हैं उसके थ्रू नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल के अंदर भेजने लगता है। बजर अलार्म के ऊपर टिक रखेंगे तो DVR के अंदर जो बजर है वो होने लगती है। अगर हम लोग अलार्म पॉपअप विंडो के ऊपर टिक रखेंगे तो विंडो ओपन हो जाती है। अगर हम उसको चैनल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अलार्म आउटपुट लिंकेज यानी कि हमारे जो DVR के पीछे आउटपुट हमने स्पीकर डाला हुआ है यानी कि हूटर डाला हुआ है तो उसके थ्रू वो हूटर बजने लगता है। यहाँ पे अगर हमारा लिंकेज सक्सेस और लिंकेज फेल के अंदर कोई शेड्यूल डालना है यानी कि हमें उस वक्त ही डिटेक्ट हो, उस वक्त नॉर्मल रहे, बाकी के वक्त मुझे डिटेक्शन चाहिए लिंकेज सक्सेस की या लिंकेज फेल्ड की, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिंकेज फेल्ड के अंदर जाते हैं तो अलार्मिंग शेड्यूल के अंदर जाके जैसे ही मैंने फेस पिक्चर में दिखा दिया है आपको किस तरह से हमें टाइम टेबल को डालना है, यहाँ से डाल के अप्लाई कर देंगे नीचे की तरफ में, वो जो है सेटिंग अप्लाई हो जाती है। अप्लाई होने के बाद में वो DVR हमें लिंकेज फेल्ड की डिटेक्शन भेजने लगता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है एग्जांपल दे के कि किस तरह से हम लोग फेस डिटेक्शन की सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ्यूचर में मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो जो है वीडियो आगे बढ़ेगी। इस वीडियो के थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पर मेरे इन्फोटेक वीडियोज़ फ्यूचर्स में मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।